सलायत विधानसभा से मैं अनुराग ढांडा जी के नामांकन के लिए आया हूं, जो मेरे मित्र रहे हैं, पत्रकार रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं हरियाणा में। पूरे हरियाणा में आज लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन से दुखी हैं और हरियाणा को भाजपा मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन ये बदलाव केवल बदलाव के लिए नहीं है, अच्छे स्कूलों, अच्छे अस्पतालों के लिए है, नौकरियों के लिए है, बिजली के लिए है, पानी के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और ये सारी चीजें आज केजरीवाल जी की गारंटी में आती हैं। पूरे देश में लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का साथ दो। हरियाणा में भी इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और इन सब पर केजरीवाल जी की गारंटियों पर काम होगा। मुख्य मुकाबला भ्रष्टाचार से है, मुख्य मुकाबला स्कूल विरोधी राजनीति से है, मुख्य मुकाबला अस्पताल विरोधी राजनीति से है, उस राजनीति से जो नौकरियां खा गई, हमारा मुख्य मुकाबला उसी से है। अनुराग ढांडा जी ने पत्रकारिता की नौकरी छोड़ के, जब ये पत्रकार थे तो उस वक्त भी देश के लिए काम कर रहे थे, देश के मुद्दे उठा रहे थे, आम जन की आवाज उठा रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि इस विधानसभा के लोगों को अनुराग ढांडा जी से बढ़िया इंसान, डायनेमिक इंसान, जुझारू, काम करने वाला और देश दुनिया के दर्द को समझने वाला इंसान आपको विधायक के रूप में नहीं मिलेगा। उनको विधायक बना के आप अपने क्षेत्र की जनता को आवाज देंगे, एक मजबूत कंधा देंगे, मजबूत हाथ देंगे, साथ साथ पूरे हरियाणा को एक अच्छा नेता देंगे जो आने वाले समय में पूरे हरियाणा के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरियों के लिए, खेती के लिए, व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहा होगा। ऐसा नेता भी देना आज आपकी विधानसभा की जिम्मेदारी है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हरियाणा की जनता का विश्वास खो चुकी है। हजारों हजार स्कूल उन्होंने पूरे हरियाणा में बंद किए, अस्पतालों की बुरी हालत है, नौकरियों की बुरी हालत है, लोगों को लड़ाने भिड़ाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ आता नहीं है। आज पूरे हरियाणा की जनता आजीज आ चुकी है और आम आदमी पार्टी की अब सरकार बनेगी, उसके बाद में केजरीवाल जी की सारी गारंटियां यहां पे लागू करेगी। हमारी सारी पार्टियों से टक्कर है, हमारा केवल एक ही है कि हरियाणा की जनता से हमारा प्रेम है, हरियाणा की जनता को केजरीवाल जी पे भरोसा है क्योंकि केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं। हरियाणा के लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे, बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे और अपने बच्चों के स्कूल, अस्पताल, नौकरियों, बिजली पानी के लिए वोट करेंगे। बस अगले हफ्ते, मुझे पूरी उम्मीद है इस हफ्ते बाहर आके अगले हफ्ते से हरियाणा में घूमेंगे केजरीवाल जी। देखिए, हमारा सबका मकसद, हरियाणा के एक एक आदमी का मकसद और हम सबका मकसद भारतीय जनता पार्टी को हरा के हरियाणा को भाजपा के कुशासन से मुक्त करना है। उस विषय में कुछ चर्चाएं हुई लेकिन वो ठीक है, राजनीति में मेटेरियलाइज नहीं हो पाती है हर चर्चा। आज हम पूरी तैयारी के साथ में हरियाणा की सारी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे और इस बार बदलाव केवल पार्टियां बदलने या सरकार बदलने के लिए नहीं होगा, स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत, नौकरियों की हालत बदलने के लिए होगा, किसानों की हालत, व्यापारियों की हालत बदलने के लिए होगा। नहीं, अब वो भारत, बीजेपी और कांग्रेस की वो लोग जाने, हमें तो आम आदमी पार्टी की पता है और जनता की पता है।